हाय गाइस, आज बात करेंगे सबसे स्टाइलिश आउटफिट के बारे में जो कि है द फॉर्मल ड्रेसिंग। तो गाइस, द फॉर्मल ड्रेसिंग आउटफिट जो होते हैं गाइस मेजॉरिटी लोग पे सूट होते हैं, प्लस ये ऑफिस एनवायरनमेंट में गाइस एक प्रोफेशनल वाइब देता है। लेकिन गाइस फॉर्मल आउटफिट के कुछ रूल्स होते हैं गाइस जो आपको पता होने चाहिए ताकि जब भी आप फॉर्मल वेयर करो गाइस तो आप बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस स्टार्ट करते वीडियो को। पॉइंट नंबर वन है गाइस द स्टाइलिश शर्ट रूल। तो गाइस स्टाइलिश शर्ट रूल से मेरा मतलब है कि आपको जब भी आप फॉर्मल वेयर करते हो शर्ट में तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि नंबर वन चीज है गाइस कलर्स आपको ध्यान रखने हैं। तो जब भी आप फॉर्मल वेयर करो गाइस तो कलर्स में आपको लाइट कलर्स सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि डे टाइम में लाइट कलर्स एक थोड़ा सा प्लेजेंट वाइब देता है आपको, तो उस तरह के कलर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। कलर्स की बात करूं गाइस तो आप लाइट ब्लू, लाइट पिंक, मरून व्हाइट एंड अगर आप थोड़ा सा प्रीफर करते हैं थोड़ा सा डार्कनेस तो आप नेवी ब्लू एंड ब्लैक के लिए भी जा सकते हैं। तो ये कलर्स गाइस फॉर्मल में हमेशा बहुत ही ज्यादा सूट करते हैं और ये काफी पैंट के साथ में इजी पेयर होते हैं। ये शर्ट आप चूज कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं गाइस तो जो डॉटेड प्रिंटेड शर्ट होती है गाइस वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। कुछ चीजें अवॉइड करने का जो डबल स्ट्राइप वाले जो शर्ट्स होते हैं वो फॉर्मल में नहीं आते लेकिन काफी लोग उसे वेयर कर रहे हैं, तो वो चीज आपको अवॉइड करना है। टू कलर्स के जो फॉर्मल शर्ट्स आते हैं जिसमें अपर साइड आपको दूसरा कलर होगा और लोअर साइड दूसरा कलर होगा, तो इस तरह के कलर्स आपको अवॉइड करने हैं। ज्यादातर सिंगल कलर्स ही फॉर्मल शर्ट में बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं, तो आपको सिंगल कलर्स ही लेने, प्लेन कलर्स जो होते हैं वही ट्राई करना है। अदरवाइज जो डबल कलर्स है वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये आपके फॉर्मल शर्ट गेम को गाइस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करेगा, तो ये चीजें आपको ऐड करनी है। और बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स होते हैं गाइस जैसे कि रेड, येलो एंड ग्रीन, जैसे डार्क ग्रीन, तो इस तरह के कलर्स गाइस तो आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये इजीली पेयर नहीं होते, आप उतने प्रोफेशनल नहीं लोगोगे, तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। और अब बात करते हैं सेकंड टिप की, तो जो कि है द पैंट स्टाइल। तो गाइस फॉर्मल में आप जब भी पैंट वेयर करते हैं तो मेक श्योर करें गाइस आप एक ट्राउजर पैंट बाय करें, ना कि जो डेनिम होते या चिनोज होते हैं। चिनोज कभी कभी वर्क ऑन हो जाता है सेमी फॉर्मल टाइप में, लेकिन एक परफेक्ट फॉर्मल में गाइस आपको ट्राउजर ही बाय करने चाहिए क्योंकि गाइस जो ट्राउजर की क्लोथ होती है गाइस वो एग्जैक्टली फॉर्मल के हिसाब से बनी जाती है, तो इसलिए उसमें जो आपको पेयरिंग मिलती है गाइस जो आपकी शर्ट होते हैं फॉर्मल शर्ट की जो पेयरिंग होती है वो एग्जैक्टली मैच हो जाती है। तो इस केस में आप कंफर्टेबल भी फील करोगे प्लस आप स्टाइलिश भी दिखोगे। तो मेक श्योर करें गाइस आपको चिनोज थोड़ी सी अवॉइड करने एंड ट्राउजर ऐड करने। बात करूं कलर्स की गाइस ट्राउजर में कौन से कलर्स आपको ऐड करने, तो आप ब्लैक के लिए जा सकते हैं, नेवी ब्लू के लिए जा सकते हैं, चारकोल ग्रे के लिए जा सकते हैं और सम केसेस में डार्क ब्राउन भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कलर्स गाइस ऑल टाइम हिट है फॉर्मल पैंट में जो आपको ऐड करने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्मल पैंट में वो है गाइस फॉर्मल पैंट की फिटिंग बहुत ही ज्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। जो आपका जो नी एरिया है वहां तक आपकी फॉर्मल पैंट आनी चाहिए, जिससे आपके जो शूज है या जब भी आप शूज वेयर करते तो वो एग्जैक्ट मैच हो जाना चाहिए। और एंकल लेंथ भी आपको अवॉइड करनी है, वो फॉर्मल में उतने ज्यादा सूट नहीं होते, तो इन चीजों का गाइस आपको ध्यान रखना है। फिटिंग फॉर्मल पैंट की गाइस ऑन पॉइंट होनी चाहिए। और अब बात करते हैं थर्ड टिप की, जो कि है शूज एंड सॉक्स। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस फॉर्मल में, तो काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं गाइस, सेलिब्रिटी को डायरेक्टली कॉपी करते हैं। जैसे कुछ सेलिब्रिटी ने कभी कभी जैसे फॉर्मल पे स्पोर्ट्स वेयर किया है तो आप में से कई लोग स्पोर्ट्स वेयर कर लेते हैं, ये चीज आपको नहीं करनी है। ये बहुत ही ज्यादा अलग लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। फॉर्मल में हमेशा गाइस जो फॉर्मल शूज होते हैं जैसे कि ऑक्सफोर्ड डबी, मून स्ट्रैप एंड जैसे कि लोफर्स है, अगर आप सेमी फॉर्मल ट्राई करें तो लोफर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इन शूज के अलावा और भी फॉर्मल शूज ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये दो शूज जो है ऑक्सफोर्ड डबी एंड मून स्ट्रैप फॉर्मल में वन ऑफ द बेस्ट है एंड सेमी फॉर्मल के लिए लोफर आर द बेस्ट जो कंफर्टेबल भी होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनने फॉर्मल, ये बहुत अगली दिखता है, वो चीज आपको अवॉइड करने हैं। और बात करूं इंपॉर्टेंट चीज की, तो गाइस फॉर्मल शूज के जो कलर्स है वो आपके बैल कलर से मैच होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच की जरूरत नहीं है बट सिमिलर हो तो बहुत ही अच्छा दिखता है। और बात करूं सॉक्स की गाइस, तो उसका भी कलर गाइस आपके पैंट के कलर से मैच होना चाहिए। बात करूं पहले शूज की गाइस, तो शूज में कलर्स कैसे, जैसे आपका शूज का कलर ब्लैक है तो आपके बेल्ट का कलर अगर ब्लैक होता है तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगेगा। सेम गोज टू सॉक्स आल्सो, जैसे आपकी ब्लैक कलर की सॉक्स है गाइस तो आपकी पैंट भी ब्लैक कलर की होनी चाहिए, या वाइस वर्सा, जैसे अगर आपने ब्लैक पैंट पहना या ब्लैक सॉक्स होना चाहिए। और लोफर में गाइस जो नो शो सॉक्स आते हैं वो आपको ट्राई करने हैं, फुल सॉक्स इतने अच्छे नहीं दिखते लोफर में, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है गाइस फॉर्मल ड्रेसिंग का जो आपके फॉर्मल को कंप्लीट करता है। और अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है टक इन एंड बेल्ट। तो गाइस अगर आप फॉर्मल पहन रहे हो तो टक इन आपको करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका ये जो फॉर्मल ड्रेसिंग है बहुत ही इनकम्प्लीट लगेगा। तो आप में से कईयों को ये प्रॉब्लम होती होगी, जो आपकी टकिंग की हुई शर्ट है वो ऊपर आ जाती है, तो उस केस में गाइस आप टकिंग जो स्ट्रैप्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, बहुत ही चीप आते हैं, अमेजोन वगैरह पे इजीली मिल जाएगा, जिससे आपकी जो टकिंग है गाइस वो अच्छे लंबे टाइम तक होल्ड रहेगी, जो आपको एक अच्छा लुक भी देगी, प्लस आप जो कंफर्टेबल है वो भी फील करोगे। एंड बात करूं बेल्ट की गाइस, तो बेल्ट में गाइस आपको जो बकल होते गाइस उस पर ध्यान देना है। फॉर्मल में गाइस आपका बेल्ट बहुत ज्यादा दिखता है, तो जब भी आप इन करते हो गाइस तो आपका बेल्ट विजिबल होता है, तो आपको मेक श्योर करना है गाइस आपका जो बकल है वो बहुत ज्यादा फैंसी ना हो, जैसे कि बंदूक या कोई भी लोगो टाइप, उस तरह का जैसे गुची टाइप के लोगो होते हैं उस तरह का बकल नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल बकल जो होते हैं वही आपको ट्राई करना है, जो आपको प्रोफेशनल फील कराएगा, अदरवाइज इस तरह के जो फैंसी बकल है गाइस वो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगते हैं और उन बकल की वजह से गाइस आपकी जो आउटफिट है वो बहुत ही अगली लग सकती है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। और अब बात करेंगे अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है द वॉच स्टाइल। तो गाइस एक्सेसरीज की बात मैं करता रहता हूं और सेम चीज गाइस अप्लाइज टू फॉर्मल ड्रेसिंग, क्योंकि फॉर्मल ड्रेसिंग में गाइस एक अच्छी सी वॉच
गाइस आपके पूरे फॉर्मल आउटफिट को कंप्लीट कर देती है। तो आपको एक फॉर्मल वॉच ऐड करनी है, जैसे कि मेटल हो गई या लेदर, तो इस तरह की जो वॉचेस है वो आपको ऐड करनी है। डिजिटल वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस फॉर्मल पे उतनी ज्यादा सूट नहीं होती, तो ये आपको अवॉइड करना है। जो नॉर्मल वॉचेस होती है जैसे कि लेदर और जैसे कि मेटल वाली, तो ये ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्पेंड कर सकते हो, थोड़े ब्रांडेड वॉचेस आप ट्राई करो, जिससे आपको जो इंप्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, जैसे कि फॉसिल्स हो गई या टाइमेक्स हो गई, इस तरह के जो ब्रांड्स है उसकी वॉचेस बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, जैसे कि अरमानी भी हो गई। तो इस तरह के जो वॉचेस है गाइस वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल बनाते हैं, जैसे कि ब्लैक हो गई या ब्राउन कलर्स में, जो आपके फॉर्मल आउटफिट को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। तो सिंपली एक वॉच ऐड करने गाइस जो आपके आउटफिट को पूरा कंप्लीट कर देगा। तो गाइस ये थे कुछ सिंपल से टिप जो आपके फॉर्मल गिप को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा अप करने के लिए। और गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, एंड अगर आप चाहते हो गाइस अपने स्टाइल, फैशन एंड ग्रूमिंग को अप करना, तो चैनल में मेरी गाइस एक फैशन रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट है जो आपको देखनी चाहिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। एंड प्लस अगर आप चाहते हैं समर में बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगना, तो आप मेरी रीसेंट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छी टिप्स मिलेगी और काफी अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। और मैं मिलता हूं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।